Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पप्पू भाई, थोड़ा जमीन मुझे हार्ट अटैक होने लगा है। भाई वैसे किस बीमारी में मुब्तला है वो? बेहतरीन किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकती। हाँ, बीमारी बेहतरीन में मुब्तला हो सकती है। मैंने नहीं बचना। ये कौन सी नई बात है? ये तो मुझे भी पता है। मेरे मरने के बाद हाशिम जी को दूसरी शादी ना करने देना। कितना कहती थी किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ मुझे, मगर ना मेरी कोई सुनता ही नहीं था। बेहतरीन की वसीयत को टाला तो नहीं जा सकता है? जैसे तुम लोगों का फैसला। फूफो ने कहा है कि आज इस घर में लड़का देखने वाले लोग आ रहे हैं। बेगम घर तो गई है। ओ आई आई के मेहमान आई प्लीज। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है। कितने का है? आए है, ये तो घर देखने वाले। बेमिसाल तुमने तो कहा था लड़का देखने वाले। जोरा जमीन से तो मुझे कोई उम्मीद थी ही नहीं, मगर मेरा अपना बेटा अपनी औलाद लोटा निकलेगा ये नहीं था सोचा मैंने कभी। आप माशाल्लाह लड़के की क्या लगती है? अब मैं ना हाशिम जी भाई की छोटी बहन हूँ। छोटी? लड़का करता क्या है? अजी जो कह दो कर देता है। ओहो जी, हमारा मतलब है कि उसका कारोबार क्या है? अजी पहले ये बहरीन में थे, वहाँ बहरान आया तो ये यहाँ आगे, वहाँ इनके तेल के कुएं थे। बोलो बोलो, झूठ बोलो। वो बेचारा वहाँ हमारे लिए तेल निकालता था अपना। उनके पास दो सहरा के जहाज भी हैं। है? अरे ये तो बहुत अमीर लोग हैं। मुझे भी लग रहा है पार्टी है। हाशिम जी के पास जहाज भी थे? उनके पास जहाज भी है? वो जो ऊंट होते हैं ना, वो सहरा के जहाज होते हैं। हम भाई ऐसा करें, अब लड़के को बुला लें, उसके बाद जो भी खिलाना है वो जल्दी मंगा लें। ठीक है हाशिम जी भाई, जल्दी से आ जाए, मेहमान आ गए हैं। पापा प्लीज जल्दी से आ जाए पापा। बेहतरीन प्रॉब्लम मशीन। हाशिम जी, बेहतरीन हाशिम जी मशीन जी। क्यों क्यों क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पापा तो नहीं है, ये मेरे भाई है। हैं जी, आपके पास जो सहरा के जहाज थे वो कहाँ? सहरा के जहाज? हाँ वो तो वहाँ बहुत है। वेरी गुड, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दरअसल मेरी बीवी की भी थोड़े दिन पहले फौतगी हुई है, तो इसलिए नहीं की। शुक्र है हाशिम जी झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरा बेटा है पप्पू भाई और एक बेटी है ईशा। आपने तो कहा था कि लड़के की शादी नहीं हुई। और बोलो झूठ। सच बोलने वाली की तो कोई सुनता ही नहीं। अब तो खुद से ही मशवरा लेना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने सच बताया। मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बाकी जो फैसला करना है आपको सोच समझ के करें। करना क्या है फैसला? इनकार करें आप लोग। ये रिश्ता कह दो ये रिश्ता नामंजूर है। बोलो मंजूर है। ये धांधली है। हमें ये रिश्ता इसलिए मंजूर है क्योंकि हमारी बेटी भी तलाक याफ्ता है। आपने तो कमारी, तब तक तो आपका लड़का भी कमारा ही था। बहरहाल भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। इतना लंबा नहीं किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जरा कुछ काम है, इजाजत दीजिए। हाशिम जी, शुक्र आप रुक गए। आपको मेरी आवाज आ रही है ना, ये सब क्या हो रहा है तमाशा? हाशिम जी आप
मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्या करूं, यहाँ तो कोई मशवरा देने वाला भी नहीं है। मैं करूं क्या, करूं कैसे करूंगी? आप मुंह मीठा कीजिए प्लीज, खाइए। निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। आप मुझे लड्डू दीजिए। मुझे वॉशरूम आने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज आप खाए ना। खाए 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 खाए, मुबारक को, मुंह मीठा करें। प्लीज अंकल आप खाए ना, ऊपर बैठ के इज्जत से खाए। अरे अंकल खा क्यों नहीं रहे, खाए। मैंने बहुत खा ली, कोई और खाए। देखिए आप ही खा ले, मुंह मीठा करें, जरूरी है। खाए 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 खाए। अरे आप जा रहे हैं? ऐसे नहीं, नाखून भी मारे उसने, हमारे मेहमानों को पीट पीट के भगा दिया उसने। हम सब जानते हैं साया है। पर साई से क्यों डरे हम, धूप में तो मेरा भी साया होता है अमील अंकल। चुप आके चुप, मैं अमल कर रहा हूँ। बाहर की चीज को इस धूनी से बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा मैं। अरे इस धुनी से तो हम सब घर से बाहर निकल जाएंगे। हो अंकल हो। खामोश, घर में भटके रू। मैं मन कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। ये आप हमें कह रहे? किसको कह रहे हैं? निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। क्या मतलब, ये मेरा घर है। तुम चुप करो, उसे बोलने दो। मैंने कहा निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। आप मुझे निकलने कह रहे? मैं तुझे निकालूंगी इस घर से धक्के मार कर। चुप, सुबान खींच लूंगा तेरी। अंकल आप चॉकलेट खाएंगे? हाँ। तो जाके खाए, मुझे क्या कह रहे? आप चाय पियेंगे? हाँ जा, जहर डाल के ला इसके लिए। तू मुझे चाय में जहर मिलाकर पिलाएगी? मैं बस कर दूंगा तुझे, चला के राख कर दूंगा। जाओ जा। उसने जहर की बात मैंने कब की थी? ये पागल है बाबा, इसको छोड़ के आओ, जाओ। बताओ नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू भाई है। तुमसे नहीं पूछा, तुम बताओ। खुद ही पूछ रहे हो और खुद ही कह रहे हो कि मैं नहीं पूछ रहा। यार मैं किन लोगों में फंस गया हूँ? यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। मैं तुम्हारी घर तक नहीं पहुँचूंगा। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बाबे? हमारे पीछे रूह है तेरी खबर, मैं उससे बात कर रहा हूँ। थैली के अंदर तुमने देखे थे भूखा करा रहे थे, छोड़ो मेरा गला ना दबाओ। तू मुझे घर से नहीं निकाल सकता, ये मेरा घर है। छोड़ो 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 छोड़ो। बेटी क्या हुआ? मामा छोड़ो, मामा आपने डरावना ख्वाब देखा है।
आशिम जी आपने शादी तो नहीं की ना? हाँ की है। अरे 25 साल पहले तुमसे की थी बेहतरीन। हाँ। बेहतरीन। अभी देखिए मुंते अब्बा जो आपकी क्लास फेलो थी। अरे ये तो पूरे स्कूल की क्लास फेलो थी। लड़कियां आती थी पाल साठ करके निकल जाती थी और ये वहीं उसी क्लास में रहती थी। पूरे 8 साल तो इसने 8वीं में निकाले। अच्छा ये देखो उसने लिखा है कि वो अपने हजारों फैंस को बताना चाहती है कि वो ड्रामा डायरेक्ट कर रही है। फैंस? वो भी हजारों? टोटल 5 फैन थे उसके घर में, 6ठा टेबल फैन था। मामा बिनते अब्बा। हाँ हाँ उसी की बात कर रही हूँ। अरे इतनी कमीनी औरत है कि मत पूछो। अब मतलब कि बहुत ही कामयाब खातून है। हाँ हाँ खातून, लो खातून, माई 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 बेस्ट फ्रेंड, माई माई बेस्ट फ्रेंड। क्या? अरे मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। मामा बिनते अब्बा आपके पीछे। मेरे पीछे? अरे मेरे से तो वो बहुत पीछे होती थी। मामूली सी डायरेक्टर। जी नहीं गैर मामूली डायरेक्टर। आओ 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 बैठो बैठो। बेहतरीन मैं खुद चलकर आई हूँ तुमसे मिलने। हैं चलकर आई हो? अभी तक गाड़ी नहीं ली तुमने? ओहो मैं ड्रामा सीरियल बना रही हूँ, मॉडर्न अनारकली। अच्छा तो तुम्हें हीरोइन की तलाश है? भाई मैं तो बिजी हूँ लेकिन अगर तुम फोर्स करोगी तो मैं कर लूंगी। मेरे पास डेट्स हैं। कनीजे चाहिए और आपको मैं अनारकली जरूर लेती लेकिन इस उम्र तक अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था। मैं शहजादा सलीम बन सकता हूँ। बिनते अब्बा आप फिल्मों से सीरियल की तरफ क्यों आ गई? वो इसलिए क्योंकि टीवी पर प्रोड्यूसर्स को कम पैसे देने पड़ते हैं। फिल्म में तो ज्यादा पैसे देने पड़ते थे ना मुझे डायरेक्शन के। वैसे सीरियल की राइटर मेरी बहुत बड़ी फैन है, मेरी इतनी तारीफ करती, मेरे अलावा किसी और के लिए वो सीरियल लिखना ही नहीं चाहती। तो ये राइटर है कौन? मैं खुद। तुमने मेरा इंटरव्यू पढ़ा? पढ़ने से इल्म बढ़ता है। ये लो दुआ भी करना। दुआ तो प्रोड्यूसर के लिए करनी पड़ेगी। बिंदेबा कैसे आए? वो इसलिए कि आगे जाकर मैंने बहुत बिजी हो जाना लिहाजा किसी को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए तो फौरन ले ले। दूसरी चीज ये कि मुझे आपका घर शूट के लिए पसंद आ गया लिहाजा दे दे। लेकिन अंकल शूटिंग की इजाजत नहीं देंगे। वो अगर अनारकली के रोल के लिए मैं मान गई ना तो वो घर शूट पे जरूर दे देंगे। तुम सोच के बताना। बिनते अब्बा ने अभी तक बताया नहीं कि वो तुम्हें अनारकली ले भी रहे कि नहीं। आंटी ने कहा था कि सोच के बताना। अगर ये कहती ना कि बगैर सोचे बताओ शायद रख लेती। शायद बिनते अब्बा का हो। उठाओ ना उठाओ 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 उठाओ। हेलो कौन? राबी मेरी फ्रेंड। राबी जर्मनी से बोल रही हो? अच्छा कराची से बोल रही हो, मुझसे मिलने आना है? अच्छा एक मिनट होल्ड करो, मैं देख के बताती हूँ कि मैं कितनी बिजी हूँ। होल्ड क्यों करा दिया? वो बाहर से आई है, उसे पता तो चले कि मैं कितनी बिजी हूँ। हाँ राबी तुम ऐसा करो कि तुम आ जाओ आज 3 बजे, फरागत में से तुम्हारे लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना। फरागत नहीं मसरूफियत से। मैं दोबारा फोन करूँ उसे बताऊँ? मामा नहीं, मामा नहीं, नहीं। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से हैं। भाई इतनी खुशी हुई ना इतने दिनों के बाद तुम्हें देख के। ये लो ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू सो मच। बैठो बेटा बैठो। जोरा जमीन ये मेरी सहेली है। जो हाँ अच्छा अच्छा मेरी भी एक सहेली है जो हर वक्त क्लास से बाहर रहती थी। मेरी शादी हो गई थी तो मैं जर्मनी चली गई थी। ये नाजी है। है? तुम नाजी हो? पप्पू भाई तुम जानते हो नाजी को? हाँ मैंने हिस्ट्री की किताबों में नाजियों के बारे में बहुत पढ़ा है। बेहतरीन ये यकीनन तुम्हारा बेटा होगा। तुम भी स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल ऐसी बातें करती थी। बबली पानी लेकर आओ।
मैं तो सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ। बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी अपने साथ मिनरल रखता हूँ और जहाँ वाटर मिले बीच में मिक्स करके पी जाता हूँ। बेहतरीन, तुम्हारी दो बेटियाँ हैं? ओ बेटी, थैंक यू। नहीं नहीं, ये मेरी नंद है, इसके अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, मैं नाजी की शादी पाकिस्तान करने आई। अच्छा, मैरिज ब्यूरो वाले ने एक डॉक्टर का रिश्ता बताया। हैं, डॉक्टर से शादी करोगी? मगर बेटी की सेहत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। भाई, हम तो पाकिस्तान 20 साल बाद आए हैं बेहतरीन, यहाँ के माशरे को तो तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। माशरे को मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है, तुम्हें तो मालूम ही है, याद ही होगा तुम्हें, माशरती उलूम में मेरे हमेशा तुमसे ज्यादा नंबर आते थे। हाँ भाई, ये तो है। अच्छा सुनो, हमने कल लड़के को बुलवाया है, तुम भी आके मिल लो ना, तुम ज्यादा बेहतर मशवरा दोगी। बेहतरीन इज सो स्मार्ट, बेहतरीन का मशवरा भी बेहतरीन ही होता है। वैसे लड़का करता क्या है? डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर तो है पर करता क्या है? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख के बता दूंगी कि वो डॉक्टर क्या करता है। इंटरनेशनल डॉक्टर बनू कि मरीज भी ना पहचान सके। क्या मैं डॉक्टर हूँ? सर जी, क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया आपको? मैं कंपाउंडर क्यों लगता हूँ पता है आपको? क्योंकि जिस अस्पताल में मैं पैदा हुआ था वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, सारे कंपाउंडर थे। लिबास तो बेहतर कर लो। और रखने वाले से कीमती नहीं होना चाहिए, हम डॉक्टरों वाली लुक तो बना लो। अच्छा, अवेल है। जी अब बताएं कैसा लग रहा हूँ? अब लगे ना डॉक्टर इंटरनेशनल, मैं तुम्हारा रिश्ता करवा रहा हूँ, बाहर जाने से पहले ना मेरी फीस दे देना। हाँ डॉक्टर, मैं बना हूँ, फीस आप मांग रहे सर? मालदार रिश्ते, साथ में बाहर की नेशनलिटी, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता है? इंटरनेशनल पापड़ बेलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैंने कई साल पापड़ बेले। ओ जी डॉक्टर, लग रहा हो ना, मुझे देख के हार्ट डायरेक्ट जेब में जाता है ना, पीक देने के लिए नहीं, फीस देने के लिए। इंटरनेशनल नहीं डॉक्टर, KK फ्रॉम बेल्जियम रिपोर्टेड। मामा आप क्या सोच रही हैं? रावी ने मेरे कंधों पर कितना बड़ा बोझ डाल दिया है। है, पर मामा आपके कंधों पर तो कुछ भी नहीं है। बेहतरीन, ये पता कैसे चलेगा कि लड़का है कैसा? लो मैं तो एक नजर में देख के बता दूं कि लड़का है कैसा। मैं तो उसकी IQ टेस्ट करूंगी, उसका जनरल नॉलेज चेक करूंगी। पूछ लेना, एक यही जनरल है जो हमारे यहाँ कमजोर है। मामा उससे जंगे अजीम दोहिम का सवाल पूछेंगे, क्या कब हुई? अरे अभी से तुम लड़ाइयों के बारे में पूछ रहे हो, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, सवाल अर्ली है। अरे जंगे अजीम दोहिम का सवाल बहुत आसान है, जाहिर सी बात है, जंगे अजीम दोहिम जंगे अजीम अव्वल के बाद हुई थी और जंगे अजीम सोयम से पहले। बेहतरीन, यू आर सो स्मार्ट। थैंक यू। आंटी उससे पूछना वो किस चीज का डॉक्टर है? भाई चीजों का डॉक्टर है, इंसानों का नहीं है। मामा मैं तो उससे मुश्किल सवाल पूछूंगा, जैसे मेरा पासवर्ड क्या है या लोग मुझे पप्पू भाई क्यों कहते हैं। आंटी सवालों की लिस्ट बना लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। मामा विल यू ऑल टेक अ राइड विद मी? श्योर। हॉप ऑन। बेहतरीन, पता कैसे चलेगा कि वो डॉक्टर असली है भी कि नहीं? लो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, भाई डॉक्टर से मशवरा मांग लेना, मशवरा देने से पहले अगर वो फीस मांग ले तो समझो कि वो असली डॉक्टर है। लगता है लड़का आ गया। आप डॉक्टर साहब हैं ना? नहीं, हाँ एक्चुअली मैं ही डॉक्टर KK हूँ, और डॉक्टर होने पे मैंने आज तक कभी गरूर नहीं किया।
एक्चुअली मैंने कभी आज तक मरीजों को भी पता चलने नहीं दिया कि मैं डॉक्टर हूँ। आप आइए, बहुत देर से आपका इंतजार हुआ था। एक्चुअली मेरी गाड़ी ज्यादा बड़ी है और यहाँ की सड़कें छोटी है, इसलिए मेरी गाड़ी मोड़ नहीं सकती। बायपास से आया था, देर हो गई। अब आप आए ना। अच्छा, तो इधर आए। अरे नहीं, इधर चले, आपका इंतजार हो रहा है। उधर चले पहले। जी जी, होगी, चलते चलाइए। इंटरनेशनल तुम तशरीफ रखे ना, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोग जानते हैं ये डॉक्टर साहब? हाँ, इंटरनेशनल ही तो है। इंटरनेशनल आप किसे कह रही हैं? मुझे तो कोई इंटरनेशनल यहाँ नजर नहीं आ रहा, ना ही इस रूम में कोई ऐसी चीज है। हाँ, एक बीमारी होती है इस तरह की, लेकिन उसका भी इलाज है माशाल्लाह से, बड़ा इलाज है। इंटरनेशनल, मुझे पहचाना? मैं पप्पू भाई। एक्चुअली हजारों मरीज देख चुका हूँ, आप याद नहीं आ रहे। उम्र गुजर गई ट्रेनों में दवाइयाँ बेचते बेचते। क्या? वो एक्चुअली मैं, ओहो आप तो हर बात पे। क्या? एक्चुअली मैं रेलवे का डॉक्टर था, इसीलिए शादी लेट हो रही है। आप सब हैरान ना हो, मैं इंटरनेशनल नहीं हूँ। ये देखिए मेरी दाढ़ी है, ये देखिए उतरती भी नहीं है, चेक करें। हाँ वैसे बेहतरीन, इंटरनेशनल की तो दाढ़ी नहीं है। तुम्हारे ताल्लुक वैसे किस खानदान से? एक्चुअली आप में से शादी वाली लड़की कौन सी है? मुझे पता तो हो ना कि किस तरफ देख के शर्माना है। मेरी तरफ? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपने डॉक्टरी कहाँ से की? मेडिकल कॉलेज से। मैं जरा जवाब की और सवाल की लिस्ट निकाल लूं। आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? वो मरीजों का है। इंटरनेशनल जी। ये वाले ने बताया था कि आपके क्लिनिक पे बहुत रश होते हैं। एक्चुअली फुटपाथ पे रश नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लिनिक में माशाल्लाह से इतना रश होता है कि फुटपाथ तक जाता है, तो फुटपाथ पे भी रश होता है। सब कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी जान बचा ले। मैं कहता हूँ मुश्किल है। डॉक्टर की लैंग्वेज आप लोग समझेंगे नहीं। इंटरनेशनल शक ना हो जाए, निकलना ही चाहिए। बाकी जी इजाजत दें। वो एक्चुअली डॉक्टर हूँ, कुछ लिए बगैर तो जाऊंगा नहीं, तो मैंने सोचा इजाजत ही लेके चले जाऊं। इंटरनेशनल बैठो। देखा? वो आपने किसी इंटरनेशनल को कहा कि बैठ जाओ, मैं समझा मुझे कहा, तो ओके बाय। इंटरनेशनल ही डॉक्टर बना वाले कहने तुम। रवि तुम अभी शादी के लिए हाँ ना करना, हम सोच के बताएंगे तुम्हें, समझी? ठीक है। बबली 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 बबली, कुछ सोचो। क्या हो रही है? हाशिम जी, यहाँ कुछ हो रहा है क्या? हाँ हाँ, वो हम सोच रहे थे। तो बैठ कर नहीं सोच सकते क्या? पापा बैठ कर सोचने से सोचे बैठ जाती है। वेरी गुड, किसने बताया तुम्हें ये? अच्छी बात है ना, मैंने ही बताई होगी। हाँ तुम ही बता सकती हो ये बात। शुक्रिया। हाशिम जी भाई, क्या एक बंदे की दो शक्लें हो सकती है? मतलब दो बंदों की एक शक्ल हो सकती है? ज़ोरा जबी, क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा, are you mad at me? No बेटा, I am not mad at you. I am sad at you. At least he is not mad at me. आंटी, इंटरनेशनल को मिलके पता चल सकता है कि चक्कर क्या है। पप्पू भाई, इंटरनेशनल को बुलाओ। मामा, उसके लिए इंटरनेशनल डायलिंग कोड लगाना पड़ेगा। पप्पू, लोकल कॉल। इंटरनेशनल पहचाना तो नहीं ना? पहचान लिया हमने। कैसे पहचाना? मतलब शादी गई बबली,
उसकी तो दाढ़ी थी, ये कोई और है। आप जैसी ज़हीन की नजरों से भला कौन बच सकता है? और जी वो डॉक्टर और मैं चिट्टा अनपढ़, चिट्टा भी नहीं सांवला अनपढ़। तुम्हें कैसे पता कि हम किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं? ओ जी आपकी सब बातों का मुझे पहले ही पता होता है। आप लोग रात को सोते नहीं है, सुबह उठ के मेरी आंखें सूजी होती है। खाना आप लोग नहीं खाते, 1 किलो वजन रोजाना मेरा गिर जाता है। ओ मामा मुझे पता चल गया, वो इंटरनेशनल का जुड़वा भाई होगा। हाँ पर उसने तो बताया नहीं। ओ जी वो बताए ना बताए, आप तो फिल्में देखती हैं ना। मेरा भाई बचपन में इतना अच्छा था कि सब उसे अच्छे ओ अच्छे ओ अच्छे कह के बुलाते थे। वो तुमसे मिलता है? ओ जी बिल्कुल नहीं मिलता, बड़ा आदमी है वो, मैं तो आप जैसा हूँ। क्या मेरा मतलब है कि आप जैसे बड़ों का छोटा हूँ। शादी के बाद वो लड़के को बाहर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए तो मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा मतलब वो कर रहा हूँ। हम सब उसके घर चले। हाँ इंटरनेशनल वो कहाँ रहता है? स्विमिंग पूल में। अरे नहीं बाबा घर में। पापा भाई आज तो आपने भी इंटरनेशनल बात की, कल चलते हैं। कल कल चलो चलो अभी चले, अभी चलते अभी चलते, लेट्स गो। मैं अपना मेकअप फ्रेश करूंगी, इतना मुझे मजा आया। ये वाला घर होता, लेकिन इस घर पे तो ताला ही नहीं है। आगे चलो। इंटरनेशनल डॉक्टर केके के घर की निशानी कौन सी है? घर पे होगा ताला और मुंडेर पे होगा काला कौवा। मिल क्यों नहीं रहा? ये रहा। लेकिन इसमें तो घर पे ताला लगा हुआ है। नहीं तो घर है डॉक्टर केके। पप्पू भाई देखो डॉक्टर की नेम प्लेट लगी है। मामा डॉक्टर की नेम प्लेट लगी हुई है। मेरा ख्याल है यहाँ से चलते हैं, उनके घर वाले आ ही ना जाएं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो अकेला भाई रहता है तो इसलिए घर बंद है। अब जब भाई आएगा तो जब ही आना चाहिए ना, अंदर तो रोए होंगी। हमने डॉक्टर केके से मिलना है ना भाई। इंटरनेशनल उसे तो खुद चल के आना चाहिए। चल के ना सही, गाड़ी पे आना चाहिए। पर आप जैसी शख्सियत के पास तो उसे खुद आना चाहिए। हाँ, पॉइंट। बापू चलो चल, मैं लेके आता हूँ उसे। चल 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 चल। हाँ चल। हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं। बेहतरीन डॉक्टर आ रहा है, उसके लिए क्या इंतजाम करें? गाड़ियों का इंतजाम कर लो, क्योंकि डॉक्टर खुद भी गौर से अपनी बीवी को उस दिन देखता है जिस रोज वो बीमार हो। डॉक्टर के इंटरनेशनल का ब्रदर हूँ मैं। हम शक्ल हैं, हम लोगों ने दाढ़ी मैंने रखी हुई है। नीचे हम आपके घर गए थे। हाँ मुझे पता है। वो मेरे कहने का मतलब ये इंटरनेशनल ही तो आपको लेके गया था वहाँ पे। इंटरनेशनल है तो बंदा अच्छा, लेकिन छोटे छोटे बंदों पे मिल के वो छोटा हो गया है। सुना आप लोगों से भी मिलता है बहुत। क्या मतलब? वो टूके वाला घर बहुत खूबसूरत है। और जी किसका घर है? मेरा कहने का मतलब है कि किसका घर है वो? आपका, वो जिसे दिखाने के लिए इंटरनेशनल हमें लेकर गया था। टूके और एक्चुअली इतने घर है कि याद ही नहीं रहता कि कौन सा घर कौन सा वाला है, नंबर क्या है। आपका भाई नहीं आया? और जी मैं तो इकलौता हूँ। मैं तो इकलौता हूँ। वो इंटरनेशनल नहीं आया? और जी आया तो हूँ। यू मीन वो मेरे जुड़वा भाई? एक्चुअली जो बात आप मुझसे करेंगे ये वही बात उस तक पहुंच जाएगी। लाइव टेलीकास्ट चल रही है। अच्छा आपने जो डॉक्टर की वो उस तक क्यों नहीं पहुंची? गुड क्वेश्चन। आप इसका जवाब देंगे? हैं? ओके मैं देता हूँ। भाई जब मैं यहाँ पे हूँ तो उसको बुलाने की भला क्या जरूरत है? हाँ बात सही, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ जाहिल तो है वो। क्या कहा आपने? मतलब आप डॉक्टर, वो चिट्टा अनपढ़ इंटरनेशनल,
मेरा मतलब है कि अगर वो होता तो यही कहता। भाई बड़ी खुशनसीबी है मेरी यानी कि डॉक्टर केके की के आज ऐसी वर्ल्ड फेमस फैमिली मेरी शादी करवा रही है। आई लव यू। हाँ जोरा जमी देखा ही तो बातों से ही पढ़ा लिखा लगता है। ओके जी आप जैसी शख्सियत के सामने मेरी दो टके की डॉक्टर की भला क्या औकात है। वो तो है जी। अच्छा जी हम आपकी शादी की बात चलाते लेकिन घर वालों को ये ना पता चले कि आप उस फ्रॉडिये के भाई हैं। जी आप तो बेहतर है ना। अच्छा जी भाई लड़के से भी मिल लिए उसका घर भी देख लिया माशाल्लाह बहुत ही खाता पीता लड़का है। है ज्यादा खाता पीता है। उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। शुक्र है भाई पाकिस्तान में भी लाइन लगाने का रिवाज शुरू हुआ है। लाइन से याद आया कल मैंने घर के बाहर लाइन देखी थी वो भी रिश्तों के लिए होगी ना। वो मैंने लड़के की पसंद और नापसंद की लिस्ट बना ली है। उसे जानवर नापसंद है। लेकिन मुझे तो जानवर बहुत पसंद है। हैं? सेम टू सेम। जानवर बहुत पसंद है इसका मतलब है कि तुम बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। बेहतरीन तुमने तसल्ली कर ली ना हमारी तसल्ली भी हो गई। अब लड़के और उसके भाई को बुला के हम रिश्ता पक्का कर लेते। पप्पू भाई बोल रहे हैं कि कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर मैं हूँ। वो अब जल्दी जल्दी करो मुझे शादी की शॉपिंग भी करनी है। और तुम भी तो शर्माने की प्रैक्टिस करो। मैं बताऊँ कैसे शर्माना है। ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कितना क्यूट है। जोरा जमी देखा मेरी सहेली मेरी कितनी बात सुनती है। एक हाशिम जी है एक नहीं सुनते हमारी। मामा मामा वो देखे डॉक्टर केके का घर। आंटी दरवाजा खुला है चलो उसे खुशखबरी सुनाते जाते हैं। हाँ ये ठीक है। मतलब कहा जा रहे नजर नहीं आ रहा मेरी मामा अंदर जा रही है। या डॉक्टर साहब से कहो बेहतरीन आई है। बेहतरीन नहीं क्यों मैं नहीं आई क्यों? अंदर जाके कहो कि मोहतरमा बेहतरीन जी आई। हाँ जाओ उनसे कहो कि मोहतरमा बेहतरीन जी आई हैं। और सुन जरा रोबो दबदबे से कहना है इस तो डॉक्टर साहब किसी से नहीं मिलते आप देखिए मेरी बात में नहीं रुके। डॉक्टर अमीर है लेकिन उसने तो केके नाम बताया था मामा। बेगम साहिबा भाई देखो ये कितना प्यारा है। प्यारा है ये मुझे दिखा मुझे तो प्यारा मुझे दिखा। ये क्या हरकत की है। और अगर आप लोग डॉक्टर साहब से मिलने आए थे तो आपने अपॉइंटमेंट लिए। मुझे लगता है ये डॉक्टर की सेक्रेटरी है। ओए सेक्रेटरी जाओ जाके डॉक्टर साहब को बुलाओ और कहना कि बेहतरीन आई बोलो मोहतरमा बेहतरीन आई है खुशखबरी देने के लिए। क्या खुशखबरी। उन्होंने रिश्ते के लिए जो लड़की पसंद की थी ना वो डॉक्टर साहब से रिश्ते के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता। इन्हें बताओ तो सही कि वो आंटी जी की वजह से रिश्ते के लिए तैयार हुई है। अच्छा मुझे पहले ही शक था तभी तो मैं कहूँ कि घर आने में इतनी देर क्यों लगाते थे। अभी लेती हूँ खबर इनकी। अब जाओ जल्दी बुलाओ डॉक्टर साहब को। और नौकर हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो और मिठाई लेकर आना मुंह मीठा कराने वाली बात है ना। जाओ सेक्रेटरी। एक्सक्यूज मी मैं कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी नहीं हूँ समझी आप मैं उसकी बीवी हूँ और करवाती हूँ उसकी दूसरी शादी। अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। अरे तो बेगम गम के गीत नहीं गाने चाहिए इससे उम्र कम हो जाती है। ऐसे मौके पर खुशी के गीत गाने से ना उम्र खत्म भी हो सकती है। ए? क्या अच्छा तो दूसरी शादी हो रही है। किसकी बल्कि मैं तो कहता हूँ एक ही शादी काफी है बल्कि काफी से ज्यादा है ओवरडोज है और साइड इफेक्ट अलग। मैं तुम्हें मार दूंगी या ये गलत है। ठीक है तो मैं खुद मर जाऊंगी। ये ठीक है मेरा मतलब है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो डाली। बताओ बताओ
तुम दूसरी शादी कर रहे हो ना? मेरा सारा सूट गिरा दिया। सारा नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है ये। अच्छा ठीक है, वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं तुझे शादी कर रहा हूँ भाई? ये गदर से गलत है, इल्जाम है मुझ पे। अब पता चला ये तो बहुत कम है। इंटरनेशनल का भाई बहुत छोड़ो इसको। अरे ऐसे कैसे चले जाए आंटी, आप उसकी शादी करवाने वाले थे, उसने आपको धोखा दिया है। हाँ मुझे धोखा दिया। हाँ पप्पू बुलाओ उसे। किसे? डॉक्टर को। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे तुम कौन हो? डॉक्टर को बुलाओ। मैं ही डॉक्टर हूँ यार, आप किसने कहा मैं तुझे शादी कर रहा हूँ? ए तुम्हारी शादी करवाने नहीं आए हम, इस घर के मालिक डॉक्टर केके की शादी करवाने आए। कोई केके वेके नहीं है, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कपूर है और ये मेरा कार्ड है, इसमें क्लिनिक का टाइम लिखा हुआ है। जल्दी से बताओ ये किससे शादी कर रहा है? नहीं ये जो है ना घर, वो केके का घर नहीं है, हम ना गलत घर में आ गए। आपकी वजह से मेरा मुंह और सर जल गया है। करीम भाई पुलिस को बुलाओ। अरे आप क्यों बुलाएंगे, हम बुलाते ना पुलिस को। नहीं हम क्यों बुलाएं पुलिस को, भागे यहाँ से, भागो। हम सब अजीब से शरारत, थोड़ी सी खेचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक नई कहानी।